बनेगा करोड़पति में हर शुक्रवार को कर्मवीर स्पेशल होता है और हमारे सामने आते हैं वो लोग जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे ही इस शुक्रवार केबीसी के मंच पर पहुंची समाज सेवक पूर्णाटा दत्ता बहल, जो कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए काम करती है। पूर्णाटा दत्ता बहल का साथ देने के लिए बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी शो में पहुंचे थे। पूर्णाटा दत्ता बहल के साथ इमरान हाशमी के सेट पर पहुंचने के पीछे भी बड़ी वजह है। शो के दौरान इमरान ने बताया कि किस तरह से 2014 में उनके 3 साल के बेटे अयान को किडनी में एक दुर्लभ कैंसर की बीमारी हो गई थी। जब अयान की बीमारी सामने आई तब पूरा परिवार काफ़ी परेशान था, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद अयान इस कैंसर से उभर गया और डॉक्टर ने अयान को कैंसर से मुक्त घोषित कर दिया। इमरान ने शो के दौरान अयान के कैंसर से जुड़ी कई बातें शेयर की। इमरान ने बताया कि जब अयान की कीमोथेरेपी होती थी तो उससे अयान का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। अयान ने खाना खाना भी बंद कर दिया था। अयान खाना खा ले और जल्दी से रिकवर हो जाए, इसके लिए परिवार ने एक तरकीब निकाली। सब जानते थे कि बैटमैन अयान का फेवरेट सुपर हीरो है, इसलिए इमरान का नंबर उनकी वाइफ ने बैटमैन के नाम से सेव किया और हॉस्पिटल से बाहर जाकर इमरान अयान को कॉल कर ये बोलते थे कि आप खाना खाओगे तभी तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। और उस बचपन की मासूमियत में अयान इमरान को बैटमैन समझकर अपना खाना खा लिया करते थे। अपने बेटे की इस हालत के बाद भी इमरान ने हिम्मत बनाए रखी और बेटे के लिए एक किताब भी लिखी, जिसका टाइटल द किस ऑफ लाइफ हाउ अ सुपर हीरो एंड माय सन डिफीटेड कैंसर रखा। कुछ दिनों पहले इमरान ने ट्वीट कर अपने बेटे के स्वस्थ होने की जानकारी भी दी थी। इमरान ने ट्वीट कर कहा था, डायग्नोस किए जाने के 5 साल बाद अयान कैंसर फ्री हो गया है। ये लंबा सफ़र रहा, शुक्रिया आप सभी की प्रार्थना और शुभकामनाओं के लिए। सभी कैंसर फाइटर्स के लिए प्यार, यकीन और उम्मीद बहुत आगे तक जाती है। इमरान के बेटे की ये कहानी सुन वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक नजर आए। वहीं बात करें पूर्णाटा दत्ता बहल की तो वो कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए काम करती है, ताकि ऐसे बच्चे जो कैंसर से पीड़ित हैं उन्हें इस बीमारी से निजात दिला सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।